स्पॉन्सर्ड बाय यूटी सोर्स। यूटी सोर्स एक ऐसी वेबसाइट है जहां आपको हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मॉड्यूल और आपको बहुत सारे आईसी और माइक्रो कंट्रोलर इस पे मिल जाएंगे। रोबोटिक्स और ड्रोन्स से भी रिलेटेड इस वेबसाइट पर सामान अवेलेबल है। आप यहाँ से रेस्पबेरी और आर्डिनो का भी सामान परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सेंसर्स और मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे इस वेबसाइट पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको LED भी मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल DKT क्लब में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक जनरेटर बना के दिखाएंगे। यहाँ पे एक मेरे पास ये कूलर की मोटर होती है फ्रेंड्स, उससे ये मैंने पूरी तरह काट के अच्छी तरह छील के बनाया है। आपको थोड़ा समझा दूं, ये मेरे पास है एक कूलर की मोटर और ये होती है इसकी मैग्नेट। फ्रेंड्स, ये मैग्नेट और मोटर सेम वही है, आप देख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा काट के अच्छी तरीके से एक तरीके से लगा दिया है। और यहाँ पे जो ये बोर्ड की सीट होती है फ्रेंड्स, जो बिजली बोर्ड बनता है, ये आप देख सकते हो, इसकी सीट को मैंने फिनिशिंग देके अच्छी तरीके से ये यहाँ पे फिट कर दिया है। और लुब्रिकेशन के लिए यहाँ थोड़ा थोड़ा तेल भी डाल दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है जिससे लुब्रिकेशन होता रहे, आसानी से मूव करे ये। और ये फाइनली पूरी एक मोटर होती है फ्रेंड्स। इसका जो एक्सटर्नल है वो आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये जो इसकी मैग्नेट की कोर होती है, ये जो दिख रही है आपको, ये इसकी मैग्नेट की कोर है। इसके अंदर मैग्नेट और कॉयल वगैरह सब इसके ही अंदर होता है फ्रेंड। और ये इसके वायर हैं, इसके वायर टूट गए थोड़ा, तो ग्लू डाल के मैंने लंबा कर दिया। आप इसे अच्छी तरीके से छीलोगे काटोगे तो फ्रेंड्स इजीली ये पूरा सेट आपको मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह का होता है, ये जैसे ये दिख रहा है ना, इसी तरीके से है ये। इसका ये पार्ट ये आ रहा इस तरीके से, जो ये वाली कॉयल है इसके अंदर होगी। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ये कूलर की मोटर का जनरेटर है और इसमें मैंने तार वार लगा के एकदम फिट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसे ही रन करेंगे। ये मेरे पास रन कराने के लिए 12 वोल्टेज की मोटर है और कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो सॉकेट होती है ना वायर लगाने के लिए, ये इसका यूज किया है और कुछ ज्यादा खास नहीं है। मोटर को चलाने के लिए मेरे पास एक 12 वोल्टेज की काफी पावरफुल मोटर है, बैटरी है। ये बैटरी मैंने खुद बनाई है, इस पर मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है DKT क्लब और पूरा अपने आप बनाया है। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे देख सकते हो। काफी हैवी बैटरी होती है, मोटर को बहुत तेजी से रन कराती है। आप इसकी आवाज सुन सकते हो, इसको काफी पावरफुल बैटरी है ये। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको मैं इससे मल्टीमीटर टेस्ट करके दिखाता हूं। ये वीडियो एक प्रैक्टिकल के तरह है, कोई आप इसे अपने कॉलेज वगैरह में दिखा सकते हो। आप ITI वगैरह के स्टूडेंट हो, पॉलिटेक्निकल या 11th 12th के हो, वहां तक भी ये चलता है। फिजिक्स का प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हो, जनरेटर है और अपने यूज में भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अभी घुमाने पे करंट बनाता है, पूरा रियल है। देखिए, इसे हाथ से घुमा रहा हूं तो करीब 3-4 वोल्टेज तक ये पहुंच जाता है हाथ से घुमाने पे। तो आप सोच सकते हो, जब हम इसे हाई स्पीड में घुमाएंगे तो 100 वोल्टेज तो ये बना ही देगा। थोड़ा मेरा यहाँ पे बैटरी भी कम चार्ज है और ये मोटर है ना, ये थोड़ी ढीली कसी हुई है, इस पे अच्छी तरीके से यहाँ पे कस नहीं पा रही। इसकी जो सापट है वो ठीक नहीं है, तो इस तरह से ये थोड़ी ढीली है, स्लिप करती है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। देखिए, मोटर तो चल रही लेकिन मैग्नेट नहीं घूम पा रही ढीली होने की वजह से यहाँ पे। तो थोड़ा मैं पहले से ठीक कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़ा सा ठीक कर लिया है, अब कि शायद ये चल जाएगी। और थोड़ा थोड़ा और ऑयल डाल दूंगा, ये बाइक का ऑयल होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसे देखते हैं इसकी वोल्टेज कितना बना रहा है। अगर अब ये घूमता है तो हमारा ये डायनामा घूमने लग गया। तो ये आप देख सकते हो, करीब 115 वोल्टेज के आसपास ये करंट दे रहा है। 12 वोल्टेज से 115 वोल्टेज ये बना रहा है, काफी अच्छी तरीके से मूव हो रहा है। इसकी आवाज आप सुन सकते हो,
ये देखिए और अच्छा सेंटर आते है, इसकी वोल्टेज अप होगी करीब 140 पहुंच जाती है। देखिए थोड़ा तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे अच्छी तरीके से कनेक्ट करोगे कोई प्रोजेक्ट बनाने में, इसके अंदर कोई गट्टा वट्टा लगा के अच्छी तरीके से चिपका के, तो ये 100% और अच्छा वर्क करेगा और अच्छी वोल्टेज देगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम जो टेस्टिंग करते हैं वो इस 9 वोट का एक बल्ब है इसके साथ, और ये मेरे पास एक होल्डर है, आप देख सकते हो सादा ही होल्डर लिया है, और ये एकदम ओरिजिनल बल्ब है, इसके अंदर कोई वो चक्कर नहीं है मैग्नेट का, उसका बैटरी वगैरह का कुछ नहीं, प्योर ओरिजिनल बल्ब है ये। तो इसे भी टेस्ट करेंगे, और इससे भी बड़ा मेरे पास एक बल्ब है, ये 15 वाट का है, इसे भी टेस्ट करेंगे। ये भी बिल्कुल ओरिजिनल बल्ब है, ये थोड़ा खुल गया था इसीलिए मैंने इसे भी खोल के दिखा दिया, इसकी गारंटी भी पड़ी हुई है, सब कुछ सिस्का कंपनी का ओरिजिनल है, 15 वाट का, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वाट, ये देख सकते हैं 15 वाट। तो इसके कनेक्शन हम कर लेंगे, और फिर इसे भी ये जला देगा काफी इजीली, क्योंकि ये करीबन 20 वोट तक का लोड उठा लेगा, बहुत ही कमाल का जनरेटर है फ्रेंड्स। इसे आप प्रोजेक्ट के तौर पे दिखाओगे किसी के पे तो आपको फुल में से फुल मार्क मिलेंगे जनरेटर के, और ये पुरानी मोटर से ही बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे बल्ब एक ही बाल में जल गया है, देखिए कितनी इजीली अच्छी तरीके से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अपनी लाइट बंद करके दिखा दूं आपको, तो ये मेरे अपने रूम की लाइट बंद कर दी है, और जो भी लाइट है वो इस बल्ब की है। यहाँ पे मैं लाइट दोबारा ऑन कर ली है, तो यहाँ पे फोकस में थोड़ा देखिए दिक्कत हो रही है, तो कितनी अच्छी तरीके से ये बल्ब देखिए वर्क कर रहा है हमारा जनरेटर। इसकी आवाज सुन सकते हो फ्रेंड्स आप, ये देख लो, तो काफी अच्छा वर्क करा फ्रेंड्स इसने। इसके बाद हम देखेंगे ये 15 वोट का जो बल्ब है इसे जला के, तो इसे यहाँ पे ये खुल रहा है, इसे लगा लूंगा, वैसे तो ये खुल जाता है अपने आप ही, पर फिर भी लगा लेते हैं, और इस पे ही ध्यान रखना फ्रेंड कितना अच्छा वर्क करेगा ये। ये देखिए लगाते ही एकदम 15 वोट का जैसे कुछ बल्ब है ही नहीं, एकदम इसने एक ही झटके में जला दिया, कोई ब्लिंकिंग फ्लिंकिंग कुछ नहीं, फ्लैशिंग कुछ नहीं। देखिए लगाऊंगा तुरंत जला देगा, देखिए मोटर हमारी ऑन होती है घूमना, एकदम बल्ब जल गया, फुली एसी करंट बना रहा है फ्रेंड्स ये, आप देख सकते हो कितनी तेज ब्राइटनेस है इसकी बल्ब की, कोई अरे अरे ये क्या हो गया, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आपको लगता है वीडियो फेक है, वीडियो कोई फेक नहीं होती फ्रेंड्स, इस बात को अपने माइंड से निकाल दो कि इस चैनल पे आपको फेक वीडियो मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स ये थोड़ा मेरी जो ये बैटरी है ये कम चार्ज हो गई है, करीब 6-7 दिन से मैंने चार्ज नहीं की, वरना ये 200 वोल्टेज तक पहुंचा देती। ये देखिए सेंटर एकदम अच्छा आ गया है इससे, इस कनेक्टर से, तो थोड़ा हिल तो रही है लेकिन सेंटर जितना अच्छा रहेगा फ्रेंड्स आपका, इतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना आपका सेंटर बेस्ट है उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा करंट देने के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा इसे दोबारा अच्छी तरीके से लगा लूंगा स्क्रू टाइट करके, और आपको एक और बार चला के दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूजर आईडी मेरी DKT क्लब के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड, वहां पे भी आपको इसी तरह कमाल की वीडियो मिलेंगी देखने के लिए। तो फ्रेंड्स इसे हम दोबारा टेस्ट करते हैं, ये देखिए बहुत ही इजीली, आप यकीन नहीं कर रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कनेक्शन बाहर से नहीं आ रहा, सब ओरिजिनल है बिल्कुल, तार वार कुछ नहीं, और 1 सेकंड में जला रहा है बल्ब को, देखिए कोई दिक्कत नहीं ज्यादा लोड लेने की। बल्ब वगैरह सब कुछ वही लगा रखा है, कोई बदलाव नहीं है, आपको लगा वीडियो पुश हुई है कुछ नहीं। और यहाँ पे मैंने इसके नीचे कुछ सामान लगा दिया है, हीट सिंक और बैरिंग वगैरह रख के, जिससे इसका थोड़ा सेंटर सा अच्छा आ जाए, पकड़ने में आसानी हो। और फ्रेंड्स देखिए मैं जैसे यहाँ वायर लगाता हूँ, 1 सेकंड फ्रेंड्स हमारा ये वायर छूट गया है यहाँ से। और फ्रेंड्स आपको मैं एक और बार बता दूं, मेरे चैनल पे किसी भी हालत में, चाहे वीडियो लेट आए लेकिन किसी भी हालत में फेक वीडियो नहीं मिल सकती फ्रेंड्स, ये मेरा वायदा है आपसे।
ये देखिए कितना अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है ये, और मैंने यहाँ पर ये छोड़ भी दी। देखिए अपने आप ही वर्क कर रहा है, थोड़ा मोटर हिल रही है तो मोटर को इस तार से दबा लूं। और अब मैं आपको बता नहीं सकता ये इतना अच्छा वर्क कर रहा है, मेरे को ये इतना अच्छा लगा, मैं इसको तो अपने किसी फ्रेंड को दूंगा जिसको इसकी ज़रूरत होगी। और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, देखिए लगाते ही ऑन है, देखिए आपको आवाज़ भी सुनाई आती। तो फ्रेंड्स ये फाइनली मैंने एक और बार आपको टेस्ट करके दिखा दूं, फाइनली ये अच्छी तरीके से दोबारा कनेक्ट कर लिए हैं। और देखिए जैसे ही मैंने इसे टच किया ये हमारा बल्ब एकदम जल गया और ये बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। मैं आपको इसे शब्दों में नहीं बता सकता कि ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए है ही, वहाँ आपके हर कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।